के लिए दवा खाना सही इलाज है? जी हाँ, सर्दी हुआ दवा खा लिए, बुखार हुआ दवा खा लिए, पेट में दर्द हुआ दवा खा लिए, पीरियड प्रॉब्लम है दवा खा लिए, मतलब कुछ भी हुआ दवा खा लिया सही हो गया। पर ये दवाइयाँ हमें ले जाती हैं, नुकसान ही पहुँचाती है हमारी बॉडी को। कहीं ना कहीं एक रोग को हम खत्म करने के लिए दवा खाते हैं तो दूसरा रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के लिए। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे बहुत से आयुर्वेद के डॉक्टर बोले हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, सर्वे भी बोलता है कि हम बीमारियों को मिटाने के लिए जो दवा खाते हैं वो दवाइयाँ हमारे शरीर में दूसरी बीमारी पैदा कर सकती है। तो अगर हम बिना दवाइयाँ खाएं अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी कुछ परेशानी अपने कुछ बीमारियों को दूर कर सकते हैं, तो दवाइयाँ क्यों खाना? जैसे कि बुखार हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, दर्द हो गया, इन सब चीज़ के लिए बहुत से घरेलू नुस्खे होते हैं, बहुत से आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पुराने ज़माने में जो दादा बाबा पर दादी पर बाबा पर नानी नाना थे, इन लोग के पास दवाइयाँ इतना अवेलेबल नहीं था, वो लोग घरेलू चीज़ों से खुद को सही करते थे और वो सही भी होते थे। तो वो घरेलू चीजें जब उनपे तब इफेक्ट करती थी तो आज भी हमें करेगी। पर हम इतनी भागम दौड़ में उलझ गए हैं ना, अपने आप को इतना एडवांस और फास्ट बना लिया कि हाँ बस दवाइयाँ खाया सही हो गया, वो घरेलू चीज करना ही नहीं चाहते। हाँ शायद उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसलिए, बट ये सोचिए वो जो आपने 1 सेकंड की दवाइयाँ खाई ना, वो 1 सेकंड की दवाइयाँ आपको पूरी उम्र के लिए, एक जीवन के लिए बीमार कर सकती हैं। तो आज ही कोशिश करिए आपकी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आपको दवाइयाँ ना खा के घरेलू चीज़ों का यूज करना पड़े। जैसे कि अगर आपको सर दर्द हो रहा, गुनगुना पानी पीजिए, ठंडे पानी में पैर डाल के गुनगुने पानी में आप बैठ जाइए। आपको बुखार है, ज़्यादातर कोशिश करिए ठंडे पानी की पट्टी कीजिए। चिरौते आते हैं, चिरौता होता है हमारे इधर भी, सब जानते हैं, उसको पानी में बॉयल करके पी सकते हैं। सुबह अगर आपको मिल रहा है, आपको फीवर हो रहा है, तो आप नीम की गोली खाइए, वो आयुर्वेदिक होती है, हर्बल होती है, वो नहीं नुकसान करेगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपकी बॉडी में वीकनेस है, आपको पीरियड प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है, इन सब के लिए घरेलू उपचार सबसे बेस्ट होते हैं। और पीरियड प्रॉब्लम, जो कि पीरियड प्रॉब्लम की बात करते हैं महिलाओं के लिए ही, तो पीरियड प्रॉब्लम में पीरियड रुक के आता है, पीरियड टाइम पे नहीं आता, पीरियड में स्पॉटिंग आता है, पीरियड में खून के धक्के आते हैं, पीरियड में पेन होता है। अब इन सब के लिए हम क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, बट ये सब भी हमारा नेचुरल तरीके से ठीक हो सकता है कुछ होम रेमडीज़ के, अच्छी डाइट से, और हाँ 100% बायोडिग्रेडेबल, यानी कि बिना प्लास्टिक मुक्त पैड, जिसमें प्लास्टिक ना हो, जो केमिकल फ्री हो, जो पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस से बना हो, ऐसा पैड आप यूज करिए, आपके पीरियड की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और मैं ऐसा पर्सनली आपको, मैंने जो जिस पैड को यूज किया पर्सनली, उस पैड को आपको सजेस्ट करूंगी, वो है सुकन्या केयर संस्था का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन। इसे मैं पर्सनली भी यूज करती हूँ और इसके इस्तेमाल से मेरे पीरियड पेन खत्म हो चुके हैं, मेरी पीरियड में जो भी प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, मेरी स्पॉटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तो आपको भी मैं ये सजेस्ट करती हूँ, आप ये सुकन्या केयर संस्था का सैनिटरी नैपकिन यूज करिए। और इसके अलावा आप ऐसे ही हेल्दी डाइट रखिए। देखिए दवाइयाँ आप कितना खाएंगी, दवाइयाँ खा के भी आपको आराम नहीं मिलेगा जब तक आप अंदर से पूरी तरीके से फिट फाइन नहीं हो पाएंगी। दवाइयाँ ही सिर्फ आपको हील नहीं कर पाएगी, उसके लिए आपको एक अच्छा डाइट, मेंटेन लाइफ और कुछ अच्छी आदतों को अपने लाइफ में शामिल करना होगा। तो अगर आप भी ऐसे सब चीज़ों में दवाइयाँ खा लेती है तो आज ही सावधान हो जाइए, और आप भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ खाना बंद करिए। और अगर आपको पीरियड की प्रॉब्लम है तो आप सुकन्या केयर संस्था का पैड आज ही यूज करिए, 100% गारंटी देती हूँ। नाम मेरा विजय लक्ष्मी है, बस्ती से हूँ, आप लिखवा के ले सकते हैं। ये संस्था जो है और इसका जो पैड है वो वाकई पीरियड की सारी समस्याओं को दूर करता है, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये सिर्फ मैं नहीं, मेरी जैसी आज हजारों बेटियाँ जो इस सैनिटरी नैपकिन को यूज करती हैं वो भी गारंटी दे रही। तो आज ही आप सुकन्या केयर संस्था का सैनिटरी नैपकिन यूज कीजिए और खुद को स्वस्थ रखिए। आप सभी को राधे राधे।